तेजस्वी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण फैला है, अब तो बिहार में विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के सभापति जो हैं विधानसभा के, वो पाए गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक साथ में थे, आप भी साथ में थे, कैसे देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरे बिहार में? नहीं, हम तो बहुत पहले से कहते रहे कि जाँच की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। बिहार जो है जाँच की संख्या में सबसे फिसड्डी राज्य है आबादी के हिसाब से और राज्यों के मुकाबले में। और हमने ये भी कहा था कि भाई रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए, और हम लोगों की तो चिंता थी कि सबको जो है अच्छे से जांच किया जाता और जांच करवा करके सख्ती बरतने का जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो भी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ये सूचना आ रही है कि सभापति जो हैं अवधेश जी, उनको जो है कोरोना पॉजिटिव, वही नहीं बल्कि उनके सभी परिवार के लोग भी पॉजिटिव पाए गए, तो हमें चिंता है इस बात की और हम तो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो इसकी भी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, दो दिन पहले ही ओथ हुआ था सभी MLC के, जो नए निर्वाचन जिनका हुआ है, नए जितने भी MLC थे उनका ओथ हुआ, और उस ओथ सभा में हम तो नहीं गए थे लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ज़रूर वहाँ थे। और वो गए ही नहीं थे बल्कि बीच में अवधेश जी बैठे थे, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठे थे, एक तरफ उप मुख्यमंत्री बैठे थे। तो हम लोगों की तो चिंता है कि भाई ये कोरोना कहीं मुख्यमंत्री तक ना पहुंच गया हो, हम नीतीश जी तक ना पहुंच गया हो तो बेहतर होगा, क्योंकि संक्रमण ये फैलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, तो बेहतर हो कि वो भी अपना जाँच कराएँ और अपना ही नहीं बल्कि जाँच की संख्या को भी बढ़वाएँ और रैंडम टेस्टिंग की भी व्यवस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो करवाने का काम करें। और एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है NMCH, अभी बारिश में पटना डूब रहा है, NMCH भी डूब रहा है, तो ये स्थिति बनी हुई है, तो इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। चुनाव की चिंता है ज़्यादा उनको, चुनाव की ज़्यादा चिंता है, लोगों की कम है, बीमारी की कम है। इस दौर में चुनाव छोड़ करके, चुनाव की चिंता छोड़ करके, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी कौन होगा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगा करके अगर ज़्यादा समय 90 दिन तक जो बाहर नहीं निकले, अगर ये अच्छे से व्यवस्था की गई होती तो शायद ये कोरोना मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँची होती।